Hello friends, welcome to Gate Smasher. The topic is foreign key in database. So इस वीडियो में हम foreign key के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे what is a foreign key and why it is actually used in database. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्रेस द बेल बटन ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें. तो यहाँ पे मैंने वीडियो को एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइड किया. पार्ट वन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं what is a foreign key and पार्ट टू में why it is actually used in database. तो foreign key है क्या? It is an attribute or set of attributes that references to the primary key of same table or another table. Table मतलब relation. मतलब सबसे पहले तो आप इस पॉइंट पे फोकस करो. It is an attribute of set of attribute. मतलब कहने का कि प्राइमरी की कैन बी अ सिंपल और इट कैन बी अ कंपोजिट. मतलब अगर एक टेबल में एक प्राइमरी की है तो वो प्राइमरी की हो सकता है एक ही एट्रीब्यूट से बनी है या फिर दो या तीन एट्रीब्यूट से मिलके एक प्राइमरी की बनी है. तो इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि प्राइमरी की इज अ सिंपल और वेदर इट इज अ कंपोजिट. बट द मेन पॉइंट इज कि प्राइमरी की ऑलवेज रेफरेंस, इट टेक्स रेफरेंस फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सेम टेबल और अनदर टेबल. मतलब ये हमेशा फॉरेन की जब भी रेफरेंस लेगी, जब भी अपना डेटा लेगी, वो रेफरेंस कहाँ से लेती है? प्राइमरी की से. और प्राइमरी की वो किस टेबल में होगी? या तो सेम टेबल में ही है या फिर किसी और टेबल में वो एग्जिस्ट करती है. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये, बहुत बार ये इंटरव्यूज में भी, बहुत बार आपको एग्जाम्स में भी आ जाता है कि व्हाट इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और विच की इज एक्चुअली यूज टू मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. इट इज फॉरेन की. ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे मेंटेन रखती है फॉरेन की, इसको ये हम पार्ट टू में देखेंगे. यहाँ पे हम पहले देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज एक्चुअली अ फॉरेन की. तो ये मैंने दो टेबल लिए हैं. एक टेबल है यहाँ पे स्टूडेंट और दूसरा टेबल मैंने लिया है यहाँ पे कोर्स. तो स्टूडेंट टेबल में लेट्स से कि इट इज अ बेस टेबल. बेस टेबल है ये किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का. यहाँ पे मान लेते हैं कि इट इज अ बेस टेबल वेयर द डेटा ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. जहाँ पे आपका स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस पड़ा है. बहुत सारी इसमें एंट्रीज है, बहुत सारी रोज है. और मैंने रोल नंबर को यहाँ पे प्राइमरी की बनाया हुआ है. प्राइमरी की हम क्यों बनाते हैं? इट इज यूनिक एज वेल एज नॉट नल. मतलब ना तो मैं इसमें खाली छोड़ सकता और ना इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट कर सकती. और इसका बेनिफिट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका बेनिफिट है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में कितनी भी रोज की वैल्यूज बराबर हो, अगर मुझे उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हमेशा मुझे किसकी हेल्प लेते हैं हम? प्राइमरी की की. मतलब सारे कॉलम्स की वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन एक कॉलम ऐसा होगा जिसमें हर एक दो के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा. वो क्यों? क्योंकि एक तो इसमें यूनिक वैल्यू और इसमें खाली, मतलब नल भी आप इसको नहीं छोड़ सकते. चलो, फॉरेन की प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. यहाँ पे हम बात करें, दूसरा टेबल है कोर्स. कोर्स में हमने कोर्स आईडी लिया, कोर्स नेम लिया और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिया रोल नंबर. अब यहाँ पे मैंने रोल नंबर क्यों लिया है? बिकॉज स्टूडेंट एंड कोर्स आपस में रिलेटेड है. जब भी अगर आपको लगे कि ये दो टेबल आपस में रिलेटेड है तो उनको हम कैसे डिनोट करते हैं? उनके बीच में कम से कम एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए ताकि मैं कल को इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकूं. तो इन दोनों टेबल्स में क्या कॉमन रखा है मैंने? रोल नंबर. आप यहाँ पे भी कोर्स आईडी रख सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट मैंने यहाँ पे रोल नंबर को रखा हुआ है. और ये रोल नंबर एक्चुअल में यहाँ पे क्या काम कर, एज ए फॉरेन की यहाँ पे वर्क कर रही है. और ये फॉरेन की रेफरेंस कहाँ से ले रही है? ये रेफरेंस ले रही है इस प्राइमरी की से. तो रेफरेंस लेने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस? कि मैंने यहाँ पे इस टेबल में जैसे नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए नए स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास एडमिशन ले रहे हैं, मैं उनका डेटा पुट करता जा रहा हूँ. नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, कोर्स वन उनका नेम, कोर्स टू, कोर्स थ्री, कोर्स फोर, बहुत सारा डेटा वो भी मैं एंटर करता जा रहा हूँ. लेकिन जब भी इस कॉलम में मुझे डेटा डालना है, मुझे बहुत ही केयरफुली डालना पड़ेगा बिकॉज ये कॉलम की वैल्यू कहाँ से रेफरेंस हो रही है? यहाँ से. तो यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, कैन आई राइट द रोल नंबर 10? नो, बिकॉज रोल नंबर 10 पहले इस टेबल में होना चाहिए. अगर इस टेबल में एग्जिस्ट करता है देन ऑब्वियसली रोल नंबर 10 इस टेबल में भी हो सकता है, क्योंकि ये टेबल कहां से रेफरेंस ले रहा है? इस वाले टेबल से। ये फॉरेन की कहाँ से रेफरेंस ले रही है? इस वाले टेबल की प्राइमरी की से। तो इस टेबल को हम बोलते हैं रेफरेंसिंग टेबल। रेफरेंसिंग, और इस टेबल को हम बोलते हैं रेफरेंस्ड। रेफरेंस्ड टेबल मतलब जिस टेबल में प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है हम उसको बोलते हैं रेफरेंस्ड टेबल या बेस टेबल, और जिस टेबल में फॉरेन की एग्जिस्ट करती है हम उसको बोलते हैं रेफरेंसिंग टेबल, जो रेफरेंस ले रहा है। और यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ है कि हम कैसे फॉरेन की को बनाते हैं। ओरेकल में अगर मैं ओरेकल में या नॉर्मल लाइक सीक्वल में अगर मैं कमांड लिख रहा हूँ और मेरा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं ओरेकल का, तो क्रिएट टेबल कोर्स ये वाला टेबल बना रहे हैं, उसमें हमने कोर्स आईडी लिया लेट से वैरकेर, कोर्स का नेम भी हमने लिया वैरकेर। मेन पॉइंट है यहाँ पे रोल नंबर, रोल नंबर का मुझे फॉरेन की बनाना है तो रोल नंबर इंटीजर, ये वाला जो डेटा टाइप है वो प्राइमरी की के डेटा टाइप से बराबर होना चाहिए। जो प्राइमरी की का डेटा टाइप यूज किया है वही डेटा टाइप यहाँ पे यूज करो। देन राइट रेफरेंसेस, रेफरेंसेस के बाद प्राइमरी की का टेबल, जहां उस टेबल का नाम जहां पे प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है वो कौन सा टेबल है? स्टूडेंट, एंड ब्रैकेट में प्राइमरी की। उस टेबल में कौन सी प्राइमरी की है? रोल नंबर। तो हमने इस चीज को यहाँ पे यूज किया है। ये जस्ट मैंने इसीलिए रिप्रेजेंट किया, अगर इन केस कोई कोडिंग आती है लाइक लेट्स से कि कोई क्वेरी लिखी हुई है तो आप इसको भी ऐसे नोट डाउन कर सकते हो। और अगर ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, ये तो है कि ड्यूरिंग जब हम टेबल बना रहे हैं ड्यूरिंग द क्रिएशन कैसे हम फॉरेन की लगा सकते हैं। अगर आफ्टर द टेबल मतलब टेबल ऑलरेडी बन चुका है और अब मुझे अगर फॉरेन की लगानी है तो उसके लिए क्वेरी जो है वो है ऑल्टर टेबल, लेट्स से कोर्स ही ले लेते हैं, ऑल्टर टेबल टेबल नेम कोर्स, एड कंस्ट्रेंट गिव एनी नेम टू द कंस्ट्रेंट लेट्स से एफ के, कुछ भी नाम दे दो। एक्चुअल में फॉरेन की क्या है? कंस्ट्रेंट है, एक रूल है। एड कंस्ट्रेंट फॉरेन की एफ के, कौन सा कंस्ट्रेंट है ये? फॉरेन की, फॉरेन की। और फॉरेन की आप किसको बना रहे हो? उस टेबल का रोल नंबर। इस टेबल का किसको बना रहे हो आप? रोल नंबर। और ये कहां से रेफरेंस लेगी? ये रेफरेंस लेगी रेफरेंस, रेफरेंसेस। प्राइमरी की टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट में प्राइमरी की कौन सी है? रोल नंबर। सो दिस इज हाउ वी राइट अ क्वेरी आफ्टर द टेबल इज क्रिएटेड। ऑल्टर टेबल टेबल नेम, एड कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम, फॉरेन की जिसको आपको बनाना है रोल नंबर, रेफरेंसेस, स्टूडेंट, प्राइमरी की वाला टेबल, एंड उस टेबल में कौन सी प्राइमरी की है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ कि इन दोनों टेबल में मैंने रोल नंबर लिया है। इट डजेंट मीन कि इनका नेम सेम होना चाहिए, आप यहाँ पे कुछ और नाम भी ले सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और दूसरा पॉइंट, क्या एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है? यस, एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की हमेशा एक टेबल में एक ही होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट वन, जहाँ पे व्हाट इज फॉरेन की वी हैव डिस्कस्ड। पार्ट टू में हम बात करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की, कि कैसे फॉरेन की मेंटेन करती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंस्ड टेबल में भी एंड रेफरेंसिंग टेबल में भी। थैंक यू।